नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। पूर्व मंत्री वसीम अहमद के निधन के बाद परिजनों से संवेदना जताने आजमगढ़ पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। किसान बिल को लेकर भाजपा सरकारों को कोसा, कार्यकर्ताओं में भरा दम। अतरौलिया लखनऊ से आजमगढ़ पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश वसीम अहमद के इंतकाल के बाद परिजनों को ढांढस बनाते जाते समय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ के लोकसभा सदस्य अखिलेश यादव का अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में क्षेत्रीय विधायक डॉ. संग्राम यादव एवं पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर पूरे उत्साह के साथ जोरदार स्वागत किया। अतरौलिया डाक बंगले में 7:35 पर पहुंचे, लगभग 25 मिनट तक रुके अखिलेश यादव ने केंद्र एवं राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पत्र निधियों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन को लेकर उस किसानों को बधाई दी है। केंद्र एवं प्रदेश की सरकारों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, आज किसान केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकारों को उनका शोषण कर रही है। केंद्र की सरकार को केवल पूंजीपतियों की चिंता है, किसान के हित में बात करना उनका केवल दिखावा है। सर्दी के समय में किसान लाठी खा रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार वो भी नहीं दे रही है। बिजली के बिल एवं डीजल का मूल्य बेतहाशा बढ़ रहा है, किसान को गन्ने का मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है, धान बेचने में पूरी तरह से अराजकता है, लेकिन सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की मांग कर रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उत्साहित होकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बैठे एवं फोटो भी खिंचवाई। नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें चुनाव जिताने के लिए मैं अतरौलिया की गली गली में घूमकर लोगों से वोट करने की अपील किया हूं, इसलिए अतरौलिया को कभी नहीं भूल सकता। कहा कि चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन यहां से जो रिश्ता है वह अनवर रहेगा। इस मौके पर विधायक डॉ. संग्राम यादव, पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल, नरेंद्र नाथ यादव, चंद्रजीत यादव, शीतला प्रसाद निषाद, जगदीश पांडे, पिंटू यादव, सचिन जायसवाल, कमला यादव, राधेश्याम यादव, पप्पू यादव, संजय मिश्रा, आशीष यादव, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ फूलपुर से असगर आजम की रिपोर्ट।